ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दिल्ली के घर से। कल हम ट्रैवल कर रहे थे, इस कारण से रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। फ्लाइट में आ रहे थे, सो ट्रैवलिंग थोड़ी थकान, फिजिकल थकान, मेंटल तो नहीं, और फैमिली को मिलना। तो आज हम दोनों कवर करेंगे, 27 तारीख और 28 तारीख के ईश्वरी वरदान को। तो देखें परमात्मा ने कहा क्या है कल के वरदान में। बाबा कहते हैं, शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा। शिक्षा तो देनी ठीक है कि ये ना ये मत करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे क्योंकि आपने ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, आपको समझ नहीं क्या, आपको अकल नहीं क्या, ये मर्सी नहीं हुई। तो शिक्षक बनने के साथ रहम दिली, आपको अकल नहीं क्या, आपको समझ नहीं, इतने बड़े हो गए आपको समझ नहीं आता है, इतनी बेवकूफ़ी काम किया आपने, ये शब्द रहम दिली के नहीं हैं। तो शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भवा। क्षमा रियलिटी में क्या है, फॉरगिवनेस क्या है? तो बाबा कहते हैं, सर्व की दुआएं लेनी हैं तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो। अगर आपने किसी को सीख दी लेकिन अगर आपने उसको अपशब्द कहे, उसको उल्टा सीधा कहा और चाह कि आप वो आप चेंज कर ले अपने आप को, तो आपके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है दिल की, दिमाग की, वो सारी उसके पास चलेगी, लेकिन उसके पास शिक्षा नहीं गई, क्योंकि उसने वही एनर्जी एब्जॉर्व करी है जो कि आपने उसको दी है, ना कि उसके आपके शब्द। क्योंकि लोग भावना से, महसूसता से समझते हैं, सुनते हैं, सिर्फ शब्दों से नहीं। तो आप कहते हैं, सर की दुआएं लेनी है तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो। रहम दिल बन क्षमा करो तो यह क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है, तो हम जब किसी को क्षमा करते हैं तो हम उससे बहुत पोलाइटली, बहुत नम्र भाव से, बहुत शालीनता से बात करते हैं, लेकिन जब फॉरगिवनेस नहीं होती, सिर्फ हमें अगर उसको क्षमा नहीं करना, उसको सिर्फ हमें शिक्षा देनी है, तो हम बहुत कड़े भाव से, बहुत ही स्ट्रांग वर्ड्स यूज़ करते हैं कभी कभी, जो कि अच्छा नहीं है। इसलिए शिक्षा नहीं जाती है, हमारी भावनाएं सिर्फ जाती हैं उनके पास, और फिर वो हमारी बात सुनते नहीं हैं। तो सिर्फ शिक्षा नहीं, शिक्षक नहीं बनना है, क्षमा करना है। इन संस्कारों से ही सबको दुआएं दे सकेंगे। तो दुआएं देनी है मतलब कि किसी को गाइड करना है, उसका भला करना है, तो सिर्फ शिक्षा नहीं देनी है उसको, हमें भावनाओं से समझ करके, क्यों उसके साथ में ऐसे हो रहा है, क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, क्या हमारे साथ में कुछ गलत वाइब्रेशंस उसके पास पहुंच रही है हमसे, तो हम उसको चेंज करें। फिर बाबा कहते हैं, अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करो, तो आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। दुआएं देने के संस्कार कौन से हैं हमारे, जो कि जड़ चित्रों में, जो कि मंदिरों में आज देखते हैं, देवी देवता हाथ खड़ा करके होती हैं, तो देवी देवताएं अपने हाथों से क्या करती हैं, औरों को दुआएं देते हैं। तो वो किसी को क्रोध से नहीं दिख रही होती हैं, लेकिन दुआएं देती हैं। औरों के अंदर की कमी कमजोरियां अगर हमें रिमूव करनी है, तो उनको हमें शिक्षा भी देनी है और दुआएं भी देनी है। तो दुआएं देते हैं अच्छे सोच के साथ में। जब आप किसी के बारे में अच्छी सोच रखते हो, अच्छे उसके गुणों को समझते हो कि आपके अंदर ये थोड़ी सी कमी है, लेकिन आपके अंदर ये सारी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो वो हुआ दुआ देना। लेकिन आपके अंदर ये गलत है, वो गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, आपको समझ नहीं आता, आपको ये क्या करते हैं, ये दुआएं देना नहीं हुआ, ये सिर्फ शिक्षा देना हो गया। तो वो इम्बैलेंस से कोई सुनता नहीं, फिर चाहे वो बच्चे हों, चाहे सबॉर्डिनेट्स हों, चाहे ऑफिस के लोग हों, कोई भी हो। अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करो, तो आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। इसके लिए हर कदम श्रीमत प्रमाण चलते हुए परमात्मा के अनुसार चलेंगे, तो हमारा मन बुद्धि शीतल रहेगा, शांत रहेगा, तभी हम औरों को अच्छा देख पाएंगे, अच्छा सोच पाएंगे, औरों के बारे में अच्छा बोल पाएंगे। लेकिन खुद ही ठीक नहीं होंगे, खुद ही अपने साथ से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, अपने साथ इरिटेटेड रहेंगे, खुद ठीक तरीके से नहीं चलेंगे, परमात्मा तरीके से नहीं चलेंगे, तो हमारे अंदर की इरिटेशन औरों को महसूस होगी। तो इसलिए श्रीमत प्रमाण चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो। तो खुद चलेंगे अच्छे से, तो हम किसी को कुछ दे पाएंगे, क्योंकि जब हमारे पास कुछ होता है तभी हम किसी को दे पाते हैं। जब हमारे पास में खुशी, शक्ति, शांति नहीं होगी खुद ही, तो हम औरों को हम क्या देंगे? तो ये सोचना बहुत जरूरी है। और ये पाए कहाँ से, ये आपको मिलता है राजयोग मेडिटेशन से, जो ब्रह्म कुमारीज में निःशुल्क सिखाया जाता है, 150 देशों में। आप भी जाइए वहाँ पर ब्रह्म कुमारी सेंटर पर और ये ज्ञान को लीजिए। इसी के साथ ओम शांति।